शुक्रवार को विद्या भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में मुख्य अतिथियों द्वारा विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि सीताराम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि अतुल सराफ, अध्यक्ष क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुण कुमार पांडे और विद्यालय समिति के सदस्यों ने विजय खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। विद्यालय समिति द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई में मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन बच्चों ने खेल में प्रतिभाग करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बच्चे अपनी खेल प्रतिभा को ईमानदारी के साथ प्रदर्शित करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विशिष्ट अतिथि और प्रदेश के प्रमुख व्यवसायी अतुल सराफ ने कहा, सेम सेरी जाता मेडल सेरेमनी
श्रेष्ठ अतिथि श्री अतुल सराफ जी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री जगदीश सिंह जी, विद्यालय वैज्ञानिक बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, बहुत लंबी सूची है। विद्यावाटी और शिष्य मंदिर आज पूरे देश में एक पहचान बनाया। बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने प्रदर्शन अच्छे किए। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेडल नहीं पाए, उन अपनी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपने प्रशिक्षण के तरफ में, अपने प्रशिक्षण के देख रेख में अच्छा करें, मेहनत करें। खेल में कोई हारता है न जीतता है, खेल खेल है और खेल को खेल की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, हार और जीत की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि और अधिक मेहनत करें और आगे वो भी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त करें। मैं अपनी तरफ से, शहर के नागरिकों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, स्कूल के प्रिंसिपल को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय राम। एक अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए स्वच्छ स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ चरित्र एवं स्वस्थ विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ ही आवश्यकता होती है टीम स्पिरिट की, एक टीम वर्क की, और इसके साथ ही बहुत जरूरी है यह सीखना कि हम कैसे गिरकर दोबारा उठ सकते हैं, यानी हारने के बाद दोबारा उठने का जज्बा, दोबारा जीतने की ललक। ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती है तो खेल से। खेल के माध्यम से हम नहीं केवल एक स्वस्थ शरीर को, बल्कि एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ विचारों को, टीम वर्क को और राष्ट्र के प्रति अपनी जागरूकता और गिरकर उठने के लिए एक प्रेरणा, संघर्ष, ये सारी चीजें सीख सकते हैं, जिनके बल पे हम राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं इस समय जो हमारे यहाँ ये भैया बहने हैं जिन्होंने पदक प्राप्त किए, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भविष्य में इसी तरह आगे बढ़े, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए भी लाए पदक। और साथ ही उन बच्चों को भी, उन भैया बहनों को भी मैं प्रेरणा देना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रयास किया लेकिन अब की बार पदक नहीं ला पाए, वो भी किसी भी तरह से उनका योगदान कम नहीं है कि उन्होंने अथक प्रयास किया, और प्रयास से सफलता निश्चित मिलती है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उन बच्चों को भी है जो अगली बार पदक प्राप्त नहीं कर पाए, और आशा करते हैं कि वो निकट भविष्य में निश्चित अपने इस प्रयास को जारी रखेंगे और पदक अवश्य लेकर आएंगे। धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है सरस्वती विद्या मंदिर का, कि बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं खेल के प्रति, क्योंकि स्वस्थ खेल से ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ चरित्र का विकास होता है, और इसी से टीम वर्क, एकता और जुझारूपन की आदत आती है। इसलिए यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, कि बच्चों को अच्छे खेल के प्रति एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला, और इसके लिए जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है। धन्यवाद।